युद्ध में जांबवान के पद प्रहार से मूर्छित होकर रावण धरती पर आ गिरता है। रात हो गई देख सारथी उसे रथ में डालकर युद्ध स्थल से दूर ले जाकर उसकी मूर्छा दूर करने के उपाय करता है। भयभीत राक्षस वहां आतंकित खड़े हैं। त्रिजटा अशोक वाटिका में सीता को युद्ध की गति का विवरण सुनाती है। वाणों से कटने के बाद भी रावण के सिर और भुजाएं बढ़ने की बात सुनकर सीता उदास हो जाती हैं और माता के समान स्नेह देने वाली त्रिजटा से पूछती हैं कि किस प्रकार रावण का वध हो पाएगा। त्रिजटा कहती हैं कि हृदय में बाण लगने से वो मर सकता है, किंतु श्री रघुनाथ उसके हृदय को लक्ष्य इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वहां उसने तुम्हारी छवि बिठा रखी है, लेकिन बार बार सिर कटने से उसका ध्यान तुम्हारी ओर से हट जाएगा और तब श्री राम वहां वाण मारेंगे। उधर मूर्छा टूटने पर रावण युद्ध भूमि से अपने को दूर पाकर सारथी पर क्रुद्ध होकर उसे धिक्कारने लगता है। गही भालु भी संकर मनम कमल ही बसे निसी मधुकरा मुरुचित बिलोति बहुरी पद अति भालु पति प्रभु पहियो निसी जानि स्यंदन घाली ते तब सूत जतनु करत भयो। मुरुछा बिगत भालु कपि सब आए प्रभु पास निसिचर सकल रावन ही घेरी रहे अति त्रास। बाढ़ी सुनत रिपुकेरी सीतापुर भय त्रास घनेरी मुख मलीन उपजी मन चिंता त्रिजटासन बोली तब सीता। होई ही कहा कहसी किन माता केही विधि मरहि विश्व दुख दाता। रघुपति सर सिर कटे हूँ न मरई विधि विपरीत चरित सब करई मोर अभाग जियावत ओही जेही हों हरि पद कमल बिछोही जे
बुद्धि के हृदय बस जानकी और मम पास है। मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब कर नास है। सुनी बचन हर शुभ शाद मन अति देखी पुनि त्रिजटा कहा। अब मरी ही रिपु ही विधि सुनई सुंदर तजहि संशय महा। काटत सिर हो यही विकल छोटी जाए ही तब ध्यान। तब रावण हृदय महु मरि हहि राम सुजान। अस कही बहुत भांति समुझाई पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम सुभाव सुमिरि पैदेही उपजि बिर विधा अति देही। सारथि सनखी जन लागा सखरन भूमि छड़ाई सिमोही। धिक धिक अधम बंद मति तोही। तेही पद गही बहु विधि समुझावा भोर भये रथ चढ़ि कुनिहावा। गवन दसानन केरा कपितल खर भर भय खनेरा। जह तह भूधर बिटप उपारी थाए कट कटाई भट